बी में हम लोग को एक परसेंट का ऊपर के तरफ आज के दिन मोमेंटम देखने मिल रहा है स्टॉक का देखेंगे तो अभी का प्राइस चल रहा है तो स्टॉक में हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने मिला था जो कि ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का लगभग एक सौ चालीस से एक सौ पैंतालीस रुपए के लेवल के पास जो कि ब्रेकआउट आया था एक सौ पचास रुपए के ऊपर अब एक सौ पचास रुपए के पास से ऊपर के तरफ हम लोग कंटिन्यूसली ऊपर के तरफ मोमेंटम देखने मिला तो क्या यहाँ से और ऊपर के तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बात करेंगे इस वीडियो में स्टॉक देखें तो स्टॉक अभी फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि स्टॉक का रेंज है पांच रुपए का लगभग वन एटी से लेकर वन एटी फाइव रुपीज के रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो लगभग जब तक स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करेगा स्टॉक में हम लोग को बी में कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा स्टॉक आदर साइडवेज मोमेंटम कर सकते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा नीचे की तरफ गिरावट भी देखने मिल सकता है तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा तो आप लोग तो का स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड वन फिफ्टी के पास क्योंकि जब तक स्टॉक वन फिफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर थोड़ा मोड़ा हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट भी देखने मिलता है स्टॉक में तो आप लोग और क्वान्टिटी एड करेंगे बी में क्योंकि फ्यूचर में एक अच्छा खासा टारगेट दिखा सकता है क्योंकि स्टॉक देखें तो एक हायर है हम लोग को बनाना चालू कर दिया स्टॉक में जो कि एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक का तो अगर एक बार स्टॉक फ्यूचर में वन एटी फाइव रुपीज़ के ऊपर कोई ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग को बल में टारगेट होगा जो कि अराउंड टू हंड्रेड रुपीज़ का होगा दूसरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक टू फिफ्टी से लेकर थ्री हंड्रेड रुपीजी तक का भी लेवल हम लोग को ईजिली दिखा सकता है तो स्टॉक में थोड़ा गिरावट आए तो आप लोग और क्वानिटी एड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ टू हंड्रेड से लेकर टू फिफ्टी रुपीजी तक का इवन थ्री हंड्रेड रुपीज़ का लेवल तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें